नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। नैष्कर्म्य सिद्धि में द्वितीय अध्याय चल रहा है। द्वितीय अध्याय 32 नंबर श्लोक हो गया। ये जो अहमता है ये अंतकरण का धर्म है। अहमपना अंतकरण का धर्म है, उसमें चिदाभास होता है जीव। तो जीव भाव जिसमें होता है अंतकरण में, उसी अंतकरण में अहमता होती है, अहंकार वृत्ति। ये अहंकार वृत्ति जो है वो अंतकरण का धर्म है, आत्मा का नहीं है। यदि आत्मा का धर्म होता अहमता, तब तो उसकी अनुवृत्ति आत्मा के साथ हमेशा होती, जीवन मुक्ति अवस्था में भी होती, सुषुप्ति काल में भी होती है ना? लेकिन तो अनुवृत्ति नहीं होती है ना? जैसे सत्यत्व आत्मा के जो अस्तित्व है वो सर्वदा रहता है आत्मा के साथ। आत्मा में चैतन्य सर्वदा रहता है, आत्मा में प्रियता सर्वदा रहती है, इसलिए आत्मा का वो स्वरूप है। ये जो अहमता है वो सर्वथा आत्मा के साथ नहीं रहती है, इसलिए वो आत्मा का धर्म नहीं है। ये 32 नंबर श्लोक में कहा गया है। देखो 33 नंबर में है, ये 33 चलेगा। वो कहते हैं कि आत्मधर्मत्व अभ्युपगमे अपरिहार्य दोष प्रसक्तिश्च। 33 नंबर श्लोक। यदि अहमता को आत्मा का धर्म माना जाए तो अपरिहार्य दोष प्रसक्तिश्च, दोष आएगा जिसका परिहार नहीं कर सकते। 33 नंबर श्लोक है। यद्यात्मधर्मोऽहंकारो नित्यत्वं तस्य बोधवत् नित्यत्वे मोक्षशास्त्राणां वैयार्थं प्राप्नुया ध्रुवम्। 33 है। देखो यदि अहंकारो आत्मधर्मो, ये जो अहंकार है अहमपना, ठीक है, अहम मनुष्य, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, ये जो अहंकार है ये यदि आत्मा का धर्म होता है, मतलब आत्मा का स्वरूप होता, तब तो क्या होता, तस्य नित्यत्वम, वो तो नित्य हो जाता। फिर जैसे बोधवत, जैसे बोध है चैतन्य, चैतन्य जैसे आत्मा का स्वरूप है, वो नित्य है, हमेशा रहता है, आत्मा कभी भी जड़ नहीं होता है ना? आत्मा ये जड़ हो जाए तो फिर जड़ता को कौन जानेगा? मैं जड़ हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप नहीं समझ पा रहे हो, इसको भी तो आप जान रहे हो ना? इसलिए आत्मा तो चेतन स्वरूप है, वो बोध जो चैतन्य है वो जैसे नित्य है आत्मा का स्वरूप होने से। इसी प्रकार से अहमता, ठीक है ना, वो भी यदि आत्मा का धर्म होता तब भी वो नित्य हो जाता, लेकिन नित्य नहीं है वो। ये कह रहा है यदि नित्य मानोगे, नित्यत्वे अहमता को यदि नित्य मानोगे तो क्या होगा? तो बोलते हैं व्यर्थम मोक्षशास्त्राणाम ध्रुवम अप्राप्यात, तब तो व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थता की प्राप्ति अवश्य, ध्रुवल अवश्य, अवश्य ही जो मोक्षशास्त्र है पाठांतर है बोध शास्त्र है ना? बोध शास्त्र क्या है? ज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो शास्त्र है वेदांत है ना? ज्ञान जब प्राप्त हो जाए, अपने स्वरूप का यदि साक्षात्कार हो जाए,
तो अंतःकरण में अहमता नहीं होती है, अध्यास नहीं होता है। अहंकार अलग है, मैं अलग हूँ, उस अध्यास की निवृत्ति ज्ञान से होती है कि नहीं। तो ज्ञान का जो है उत्पन्न करने वाला जो शास्त्र है कि तुम असंग हो, तुम अकर्ता अभोक्ता हो, तुम तो साक्षी हो, ऐसा ज्ञान का क्या बोलते हैं, ज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो महावाक्य इत्यादि वेदांत वाक्य वो व्यर्थ हो जाएगा। यदि सत्य होता, आत्मा का ये धर्म यदि होता अहमता, तब तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होती, लेकिन ज्ञान से उसकी निवृत्ति कही गई है कि नहीं, ये अभिप्राय है। 33 नंबर श्लोक हुआ। 34 नंबर श्लोक देखिएगा। यावद्रव्य भावित्वाभावे अपि श्यामत्वादौ धर्मत्वं दृश्यते इति शंकाम उत्थाप्य परिहरति स्याद इत्यादि। न देखो भाई, कह रहे वो कहते हैं कि यावद्रव्य भावित्व अभावे अपि श्यामत्वादो धर्मत्वम दृश्यते। बोलते हैं कि द्रव्य में ये धर्म हमेशा नहीं रहता है, ठीक है ना। द्रव्य में रहने वाले को बोलते हैं द्रव्य भावी, ठीक है ना। तो द्रव्य भावी न होने पर भी, मतलब नित्य न होने पर भी, ठीक है ना, श्यामत्वादो धर्मत्वम दृश्यते। ये श्याम, हाँ, कोई काला दिखता है, कोई फल जामुन काला दिखता है कि नहीं, कोई हरा दिखता है। तो वो जो हरापना इत्यादि है, वर्ण रूप, वो हमेशा रहता है क्या? है तो फल का धर्म है, लेकिन नित्य नहीं है वो, है कि नहीं। पक गया तो पीला हो जाता है, कोई लाल हो जाता है वो तो बदल जाता है कि नहीं। इसलिए आम्र फल का धर्म जो है हरापना, वो जैसे आम्र फल का धर्म होने पर भी नष्ट हो जाता है कि नहीं, समय आने पर नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जो अहमता है आत्मा का धर्म होने पर भी वो नष्ट हो जाएगी कभी ना कभी। इसलिए आत्मा का धर्म मान लो अहमता को, यही मानते हैं। इसलिए इसी प्रकार सुख दुख ये सब आत्मा का धर्म मानते हैं तार्किक लोग है कि नहीं। इसलिए सुख, सुख का भी नाश हो जाएगा, और क्या, प्रतिकूल हो गया तो सुख गायब है कि नहीं। हाँ, प्रतिकूल हो गया तो सुख नहीं रहा, अनुकूल हो गया तो दुख नहीं रहा इसलिए सुख दुख की निवृत्ति हो जाती है। आत्मा का धर्म मान लो, आत्मा का धर्म मान लो, ये अभिप्राय है। ये शंका करते, देखो, यावत् द्रव्य भावित्व भावे अपि श्यामत्वादो धर्मत्वम, ये श्यामपना है कि नहीं, कृष्णपना गौरपना, ये भी आत्मा का धर्म मान लो। इति शंका उत्थाप्य, ये शंका को कर रहे, देखो, परिहरति स्यात् परिहारः स्वाभाविक धर्मत्व अभिपगम्य अपि, स्वाभाविक धर्म मानने पर भी अहमता को, अहमता सुख है दुख है ये सब आत्मा का स्वाभाविक धर्म होने पर भी उसका परिहार हो जाएगा। अहमता सुख दुख इत्यादि का परिहार हो जाएगा, जीवन मुक्ति अवस्था में अहमता इत्यादि नहीं रहेगी, मुक्त हो जाएगा, है ना। जैसे आम्रादि फलव, जैसे आम्र फल का वर्ण होता है हरित, है कि नहीं। तो हरित जो है किसका धर्म हुआ, फल का हुआ कि नहीं हुआ, फल हुआ ना। अरे जब फल होगा तो हरा दिखता है वो आम, आम्र फल उसका स्वाभाविक हो गया, जन्म होते ही वो हरा दिखेगा है कि नहीं। और समय आने पर वो क्या हो जाएगा, पक जाने से वो पीला हो जाता है, कोई लाल भी हो जाता है। इसी प्रकार से अहंकार आत्मा का स्वाभाविक धर्म होने पर भी वो नष्ट हो जाएगा कभी ना कभी आगे, ये तात्पर्य। तन्ना ये श्लोक दिखा रहे हैं, देखो, 34। आम्रादेहे परिणामित्वात्, आम्रादेहे परिणामित्वात् गुणः निर्गुणान्तरैः
अविकारी तो तद ब्रह्म, अविकारी तो तद ब्रह्म न ही द्रष्टुरिति श्रुते है। देखो भगवान, जैसे आम्रा देहे गुणहानि ही गुणांतरे ही परिणामित्वात्, आम्र फल का तुमने जो दृष्टांत दिया वहाँ पर तो हो जाएगा, क्योंकि आम्र का जो फल है ना, आम का फल, अभी आम का सीजन चल रहा है ना, अभी हरिद्वार में प्रारंभ नहीं हुआ है कि नहीं, हरिद्वार में प्रारंभ नहीं हुआ है और बाकी जगह में तो प्रारंभ होकर के समाप्ति हो गया है। तो आम्रा फल जो है परिणाम ही है ना। हाँ, ये सुरेश राजा जो आम्रा फल को दृष्टांत दिया, आओ आओ। तो ये जो आम्रा फल है, आम का फल, वो तो परिणामी है, वो तो कैसा है, परिणामी है। परिणामी होने से दूसरा गुण आने से पहले, जैसे पितरूप है, पक जाएगा तो पितरूप है, पितरूप आने से पहले है ना, गुणांतर ही पहले गुण था कृष्ण रूप, दूसरा गुण आ गया पितरूप, पितरूप आने से पहले वो कृष्ण रूप नष्ट हो जाएगा। ये तार्किक लोग कहते हैं विलक्षण ते संयोग, विलक्षण ते संयोग कहते हैं पाक, तार्किक लोग कहते हैं ना, है कि नहीं। जब विलक्षण तेज संयोग हो जाने पर वो कौन सा रूप आ जाएगा, पितर रूप आ जाएगा, आम्र का फल में, आम के फल में पितर रूप आ जाएगा। और पितर रूप आने से पहले क्या नष्ट हो जाएगा, बोलते हैं हरित रूप, हरित रूप नष्ट हो जाएगा, इसलिए कहते हैं गुणहानि। ये तो हो सकता है, 34 नंबर श्लोक चल रहा है, क्यों, आम्रादे परिणामित्वात्, ये आम्रादे जो फल है वो तो परिणामी है, वो सावयव पदार्थ है, सावयव जो पदार्थ हो जाएगा उसमें परिणाम होगा ना, ये कहते हैं। लेकिन ब्रह्म तो परिणामी नहीं है, वो तो अभिकारी है, देखो है ना, तू मतलब विलक्षण तद ब्रह्म अभिकारी, वो जो ब्रह्म है जिसका प्रसंग चल रहा है, अयम आत्म ब्रह्म, आत्मरूप जो ब्रह्म है वो तो कैसा है, अभिकारी, वो भिकारी नहीं है, वो भिकारी हो, सावयव नहीं है, वो निरवयव पदार्थ है, उसका संबंध किसी के साथ है ही नहीं, तो अभिकारी है। जब अभिकारी है तो उसमें जो है कोई ना कोई गुण है, ना कोई गुण आएगा। है कि नहीं। तो ये प्रसंग था ना, जैसे अहमता, अहमता आत्मा का धर्म है, उसका नष्ट हो जाएगा, दूसरा गुण आएगा तो पहले वाला गुण समाप्त हो जाएगा। दृष्टांत दिया आम्र फल का, है कि नहीं, आम्र फल में जो हरित रूप हो उसका आम्र फल का धर्म है कि नहीं, धर्म है। पितरूप आ जाएगा तो हरित रूप नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार आत्मा में जो है एक गुण है अहमता, दूसरा गुण आ जाएगा तो अहमता नष्ट हो जाएगा, उनका कहना है। जीवन मुक्त अवस्था में वो जो उसमें आत्मा में कोई गुण नहीं होगा, ऐसा मानते हैं वो लोग, आत्मा में जो है अहमता इत्यादि सुख दुख एक प्रकार गुण नहीं होगा, आत्मा मुक्त हो जाएगा, ऐसा मानते हैं वो लोग ना। तो कहते नहीं, आम्र फल का दृष्टांत तुमने दिया जो तो परिणाम ही है, ये दूसरा गुण आने से पहले पूर्व गुण नष्ट हो जाएगा, उत्तर गुण आएगा, विलक्षण ते संयोग, ऐसा मानते ना। पीलू पाकवादी, पिठर पाकवादी दो प्रकार के होते हैं, पीलू पाकवादी, पिठर पाकवादी। नैयायिक विशेषज्ञ में थोड़ा मतांतर है, वो पीलू मतलब परमाणु, और परमाणु में पाक हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, पूरे पिंड में पाक हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। तो नहीं दृष्टुरिति श्रुते है, देखो श्रुति बोलते नहीं दृष्टु दृष्टिर विपरलोप विद्यते, आत्मा का जो दृष्टि रूप जो स्वरूप है उसका नाश कभी नहीं होता है, उसका तो स्वभाव है, वो नित्य जो ज्ञान है आत्मा का स्वरूप है, वो है ना, उसमें कोई विकार नहीं होता है कि दूसरा गुण आ जाएगा तो पूर्व वाला गुण नष्ट हो जाएगा। आत्मा में कोई गुण नहीं है, चैतन्य इत्यादि तो आत्मा का स्वरूप है, इसलिए अहमता आत्मा का धर्म नहीं है,
हाँ, ये अंतकरण का है, ये जो अध्यास हुआ है अहमता, ये जो है आत्मा में अध्यस्त है, ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाएगी, है ना। जो अध्यस्त पदार्थ होता है वो अधिष्ठान का नहीं होता है, ये अभिप्राय है। इसलिए अहमता आत्मा का धर्म नहीं है, ठीक है। 34 नंबर हुआ। 35 नंबर देखो, थोड़ी सी टीका है 35 नंबर में, 34 इसमें तो कुछ टीका नहीं है, नहीं है, चलो 35 नंबर है। तो 35 नंबर में कहते हैं पूर्वम अहंकारस्य अनित्यत्वात्। पहले आपने बोल दिया कि अहंकार अनित्य है, समझ में कि नहीं, हाँ। इसलिए क्या हुआ, नित्य आत्मधर्मतम अनुपन्नम, इसलिए जो आत्मा का धर्म नहीं हो सकता है, हो गया कि नहीं। आत्मा तो नित्य कह रहे हो ना, इसलिए उसका धर्म कौन नहीं हो सकता है, अहंकार नहीं हो सकता, ये बात पहले कही। इदानीम और अभी हम क्या कह रहे हैं, बोलते हैं कि आत्मनो नित्यत्व, आत्मा तो भाई नित्य है, आत्मा कैसा है, नित्य है, इसलिए अनित्य अहंकार धर्मत्वम तस्य अनुपपन्नम। तुम्हारा जो अहंकार कैसा है, नित्य है कि अनित्य है, वो तो अनित्य है, वो अनित्य रूपी जो अहंकार रूपी धर्म है वो आत्मा का धर्म नहीं हो सकता है, तस्य अनुपन्नम, ठीक है भगवान। इस अभिप्राय से बोलते हैं, चाहे अहंकार को नित्य मानो चाहे अनित्य मानो, आत्मा का धर्म नहीं है वो, ये प्रसंग चल रहा है, ठीक है। चलो, अहंकारस्य च आगमापयित्वात्। अब अनित्य मान के निराकरण कर रहे हैं, ठीक है ना। आत्मा नित्य है और अहंकार कैसा है, हैं, अनित्य है। तो अनित्य रूपी अहंकार आत्मा का धर्म नहीं हो सकता है, नित्य रूपी अहंकार भी नहीं होगा। नित्य यदि मानेंगे तो उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, और अनित्य रूपी धर्म भी नहीं होगा, ये बोलते हैं। अहंकारस्य च आगमापयित्वात्। अहंकार तो कैसे होते हैं, आगमापय, उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, अंतकरण का धर्म है नहीं है। इसलिए तद्धर्मिणश्च, और यदि आत्मा का धर्म मानोगे, अहंकार को यदि आत्मा का धर्म मानेंगे, हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, वो फिर तो विकार को उत्पन्न कर देगा वो। अहंकार जब उत्पन्न होगा, है कि नहीं, तो विकारी हो जाएगा आत्मा, फिर तो आत्मा भी क्या होने लगेगा, फिर अनित्यत्वम, वो भी अनित्य हो जाएगा। तद धर्मिणश्च अनित्यत्वम प्राप्नोति, ये तात्पर्य। ले तत् कहने से क्या लेंगे, अहंकार, अहंकार का जो आश्रय है धर्मी कहते हो, वो क्या हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। फिर उत्पन्न जो होगा तो आत्मा को तो विकार विकार करके ही उत्पन्न कर देगा वो, उत्पन्न होगा वो, तब तो आत्मा विकारी हो जाएगा, तो अनित्य हो जाएगा। तद धर्मिणश्च धर्मिणश्च अनित्यत्वं प्राप्नोति, ये तात्पर्य है। अच्छा जी, आगमापयनिष्ठत्व दनितत्वं यादृशिः उपनयन अपनयन धर्मो। हाँ जी, उप उपयन है ना, उपयन, ठीक है, उपयन तो है। उपयन अपयन धर्मो विकरोति ही धर्मिणम्। विकरोति ही धर्मिणम्, ये सिद्धांत है। वो बोलते हैं कि आगमा पाए निष्ठत्वा अहंकार, ये जो अहमपना जो है ये तो आगमा पाई है ना। आगमा पाई धर्म से वो निष्ठ है, मतलब युक्त है वो, नितराम तिष्ठति निष्ठ है कि नहीं। आगमा पाई धर्म से वो युक्त है वो, कौन, अहंकार है कि नहीं। तब तो क्या होगा, ये जो आगमा पय निष्ठत्व है, आगमा पय निष्ठत्व अहंकार में रहेगा ही धर्म, उसका जो आश्रय है जो आत्मा है दृषि है कि नहीं, और दृषि भी क्या हो जाएगा,
अनित्यत्वम या तब तो दृश्य मतलब साक्षी, वो तो फिर अनित्यत्व को प्राप्त करेगा, प्राप्त न याद प्राप्त करेगा, वो प्राप्त हो जाए, समझ में कि नहीं, याद ठीक है, इणगत हो याद हो जाएगा, ठीक है, लिंग लकार याद प्राप्त याद मतलब है ना, जो दृश्य रूपी जो है कौन साक्षी, दृश्य रूपी जो साक्षी है समझ में ना, वो किस किसको प्राप्त करने लगेगा फिर, अनित्यत्व मतलब अनित्य होने लगेगा, है कि नहीं। और कहीं कहीं जो है दृश्य है पाठ भी है, पाठांतर है, दृश्य है षष्ट्यंत पाठ भी है, वो भी ठीक लगता है, मतलब दृश्य में है ना षष्टी करेंगे तो दृश्य में अनित्यत्व प्राप्त होगा, प्राप्त हो जाए, है कि नहीं। तो अनित्यत्वम क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रथमांत हो जाएगा फिर, अनित्यत्वम याद है ना, कहाँ पर दृश्य है ना, ऐसा भी है पाठांतर है, कोई दिक्कत है, ये भी ठीक है, दृश्य कहेंगे तो प्रथमांत हो जाएगा, दृश्य का दृश्य ही मतलब ज्ञान स्वरूप, दृश्य प्रेक्षण ना, मतलब ज्ञान स्वरूप जो साक्षी है वो तो नित्य है, वो तो नित्य है, तब तो अनित्यत्व को प्राप्त किया, मतलब अनित्य हो जाएगा फिर साक्षी, है कि नहीं। तो अनित्यत्व जो हो जाएगा तो फिर उसको कौन जानेगा फिर संयम नहीं रहेगा तो फिर मुक्त कौन होगा फिर, है कि नहीं, रहने वाला ही तो मुक्त होगा। अच्छा और क्या है देखो, हैं तो क्यों ऐसा, अहंकार यदि अनित्य हो जाए, आत्मा में रहने वाला धर्म अहम कर्ता भोक्ता बोलते हो, ये जो अहमता है ये अध्यास ना, ये अहम कर्ता, अहम में अहमता है कि नहीं, ये अहमता अध्यास है, ये अहमता रूपी धर्म तो अंतकरण का है, ये है कि नहीं। तो पूर्व पक्ष कहेगा ये यदि अनित्य हो, उपयन और क्या है, हाँ उपयन के बाद क्या करेंगे, अपयन करेंगे है ना, हाँ मतलब उत्पन्न होता हुआ नष्ट होता हुआ, उपयन अथवा क्या है अपयन, उत्पन्न होता हुआ नष्ट होता हुआ कौन हो गया धर्म, कौन धर्म हो गया, अहंगता, अहमता जो है ना, अहमता रूपी जो धर्म है वो उत्पन्न होगी कभी नष्ट हो जाएगी, ऐसा जो धर्म है वो धर्मी को क्या करेगा, धर्मिणाम भी करोति ही, धर्मी जो आत्मा है साक्षी उसको तो भाई वो विकृत तो करेगा ही करेगा, वो उसको विकृत हुए बिना अहमता ना उत्पन्न होगी ना नष्ट होगी। ये सुख दुख जो उत्पन्न होता है वह अंतकरण को विकृत करता है कि नहीं करता है, वो तो करेगा ही करेगा है कि नहीं। शरीर में देखो कभी काला है तो कभी गोरा है, कभी पतला है तो कभी मोटा है, तो शरीर को तो विकृत करेगा ही करेगा, है कि नहीं। इसलिए उत्पन्न नष्ट होने वाला धर्म अपने आश्रय धर्म को तो विकृत करेगा ही करेगा, ये तात्पर्य है समझ में कि नहीं। हाँ और वो लोग क्या करते, आकाश का दृष्टांत लेते हैं, तार्किक लोग ना न्याय में आकाश का दृष्टांत लेते हैं, ये सुख दुख जैसे दृष्टांत क्या हो गया, शब्द, शब्द जैसे आकाश में उत्पन्न होता है और क्या होता है नष्ट होता है, फिर भी आकाश निर्विकारी है इस बगैर आत्मा में सुख दुख का उत्पन्न होते हुए भी आत्मा जो है निर्विकार हो सकता है, आकाश का दृष्टांत देते हैं। तो बोलते हैं ये तो श्रुति प्रमाण से बाधित है, क्या कहेंगे इसको, बाधित कहते हैं ना इसको, है कि नहीं, बाधित बोल देते हैं, बाधित हो जाएगा। तो श्रुति तो कहती है कि आकाश की भी उत्पत्ति होती है, तस्माद वा ए तस्माद आत्मा न आकाश संबद्ध, तो आकाश की उत्पत्ति हो जाती है तो आकाश विकारी है कि नहीं, तो श्रुति प्रमाण से हो जाएगा। यस्य साध्याभाव प्रमाणांतर निश्चित स बाधित, इसको कहते बाधित है ना, श्रुति प्रमाण से बाधित हो जाएगा यदि आकाश को क्या मानेंगे तो निर्विकार नित्य मानेंगे तो, ठीक है ना, ऐसा है, इसलिए तुम्हारा दृष्टांत नहीं बनेगा। हाँ उत्पन्न नष्ट होने वाला धर्म यदि जहाँ रहे वो तो अपने धर्म को विकारित विकृत करेगा ही करेगा, इसलिए विकरोते ही धर्मिणाम, ठीक है।
ऐसा है। वहाँ पर एक टिप्पणी दिया, ठीक है, और एक टिप्पणी लेनी थी पूरा पढ़ने में, चलो कोई बात नहीं, हो गया। टीका देखो 138 में, आगमा पाइनो, आगमा पाई कौन हो गया, अहंकार, अहंकार से निष्ठा मतलब अवस्थिति, अहंकार की स्थिति कैसी होती है, उत्पन्न होना नष्ट होना, यस्मिन जहाँ पर रहेगा ये है कि नहीं, तस्मिन अशुभ आगमा पाइनिष्ठ है कि नहीं, तस्य भाव उसका भाव उसका धर्म क्या होगा, वही आगमा पाई निष्ठत्व ये हो जाएगा ना। तस्मान ये विग्रह बता दिया। अच्छा 35 नंबर हुआ, 36 नंबर में थोड़ा विचार करो देखो, स्वगत मतम आसंख्य निराकरोति, स्वगत मत जानते हैं बौद्ध का है, ये बौद्ध मत है स्वगत मत, तो वो लोग क्या बोलते हैं देखो, ये तो अच्छा ही है और क्या, अहंकार है विकारी और क्या, और अहंकार जहाँ रहेगा कहाँ रहेगा, आत्मा में रहेगा, वो भी है हाँ, वो भी विनाशी है हाँ, सब विनाशी है सर, सब कुछ क्षणिक मानते हैं ना, यत सत तत् क्षणिकम ऐसे मानते हैं क्या, चाहे धर्म हो चाहे धर्मी हो कोई भी हो यत सत तत् क्षणिकम, जो सत के रूप से भास रहा है वो क्षणिक है वो हाँ, ऐसे दृष्टांत बताते हैं, सेयम दीपकलिका, दीपक की शिखा जैसे, दीपक की शिखा क्षणिक है कि नहीं, ऐसा मानते हैं क्षणिक है, पूर्व क्षण में जो शिखा थी दीपक की शिखा उत्तर क्षण में नहीं रहती है ये व्याप्ति क्या हो गई, यत सत तत् क्षणिकम, जो सत के रूप से है वो क्षणिक है ना, ऐसा मानते हैं वो लोग इसी वक्त, ये तो ठीक ही है, चाहे धर्म हो चाहे धर्मी हो, अहमता भी क्षणिक है, और धर्मी जो आत्मा वो भी क्या है, क्षणिक है, किसको सुनाना है हाँ, वो तो ठीक ही है, सब धर्म सब क्षणिक है वो ये बोलते हैं देखो, अस्तु अनित्यत्म कम उपालम भाई, वो अनित्य हो जाए है ना, किसको दिखाना है नित्य करके, किसको दिखाना है, सब अनित्य मानते ही, ये कहने का मतलब, काम उपालभ्य मही, हम किसको दिखाएंगे कि सब नित्य है, सब तो नित्य है ही हो, इसलिए प्रमाण उपपन्नत्व, वो तो प्रमाण से ही सिद्ध है, सब कुछ अनित्य है वो तो किससे सिद्ध है, प्रमाण से ही सिद्ध है वो, प्रमाण उपपन्नत्व, प्रमाण ही उपपन्न, उपपन्न मतलब क्या, युक्तम सिद्धम, ठीक है हाँ, क्या चीज़ अनित्यत्व, सब क्षणिक है वो तो प्रमाण से ही सिद्ध है, यदि चेत ऐसा बोलते हैं, शंका है ना, तन्ना ऐसे नहीं हो सकता है, सब क्षणिक है तो इसको कौन जानेगा बताओ, सब क्षणिक है इसको तो जानने वाला कोई है कि ऐसा बिना जान करके बोल रहे हो और क्या है, रज्जु में सर्प नहीं है तो कौन जानेगा इसको हाँ, जानेगा सर्वम क्षणिकम क्षणिकम कहोगे, इसको जानने वाला प्रकाशित करने वाला क्षणिकत्व का साक्षी कोई होना चाहिए ना, साक्षी के बिना क्षणिकत्व कैसे सिद्ध होगा, नहीं हो सकता है, ये ले ये बोलते देखो, सदा विलुप्त साक्षित्व, स्वतः सिद्धम न पार्यते, अपन्नोत्तम घटस्यैव, कुशाग्रीय धियात्मनः, धियात्मनः वो बोलते हैं कि देखो बोलते हैं कि जो है हाँ, कुशाग्रीय धिया है देखो कुशाग्रीय धिया मतलब क्या, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाले अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाले है ना, अंतर्मुखी होने वाले विचारशील व्यक्ति व्यक्ति है ना, नित्य अनित्य का अनुसंधान करने वाले, ठीक है ना हाँ हाँ,
कौन प्रमाण से सिद्ध है, कौन प्रमाण से सिद्ध नहीं है, है कि नहीं? उसमें जिसकी भ्रांति नहीं होती है, ऐसा है। वो क्या मानते हैं वो लोग भाई? वो मानते हैं ना शिष्ट लोग, प्रमाण के अनुसार चलने वाले कैसे होते हैं? शिष्ट लोग होते हैं ना, शिष्ट। ये प्रमाण से सिद्ध बोल दिया आपने, तो क्षणिकत्व में क्या प्रमाण है? प्रमाण है कि नहीं, ये विचार करने वाले को कहेंगे ना शिष्ट लोग। फल साधनातान से भ्रांति रहित है, तो बोले तार्किक लोग है ना, तार्किक लोग हैं। एक एक है ना, और टीका है दिनकरी टीका है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में एक प्रसिद्ध टीका है, क्लिष्ट है वो टीका, उसका नाम क्या है? दिनकरी, दिनकरी टीका। वो लिखे है महादेव भट्ट, वो लेखक का नाम है महादेव भट्ट है ना, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। तो उसमें फल साधनातान से भ्रांति रही तत्तम, इसका ये फल है कि नहीं, इसका ये साधन है, हैं? तो साधन तो प्रमाण से प्राप्त होगा कि नहीं? कौन प्रामाणिक है, कौन प्रामाणिक है, इसमें जो भ्रांति से नहीं रहता है, निश्चित है। ऐसी बुद्धि वाले को बोलते हैं शिष्ट लोग, है कि नहीं? ये कुशाग्र बुद्धि वाले शिष्ट लोग होते हैं नहीं? तो कुशाग्रीय धिया, कुशाग्र बुद्धि वाले जो शिष्ट लोग है कि नहीं? तो वो क्या उनको निश्चित है कि नहीं बताओ, है ना? इसका निराकरण कर सकता है आत्मना? नहीं, आत्मना अपनेतुम, है कि नहीं? क्या चीज़ है आत्मा में? सदा अभिलुप्त साक्षित्वम, ये देखो है ना, आत्मा में जो साक्षित्व कैसा है? विलुप्त साक्षित्व है कि अभिलुप्त साक्षित्व है? कोई भी वृत्ति रूपी ज्ञान नहीं है, फिर भी आप तो हो। घटम अहम जानामि, घटम अहम जानामि, चाहे घटाकार वृत्ति हो चाहे घटाकार वृत्ति ना हो, है कि नहीं? आप तो सबका क्या है? साक्षी है, वृत्ति का भी है, वृत्ति के अभाव का भी है। ये स्वतः सिद्धम अविलुप्त साक्षित्वम सदा, स्वतः सिद्धम, स्वतः सिद्धम न पार्यते, इसका आप निराकरण नहीं कर सकते हो, है कि नहीं? आत्मा में जो सदा अविलुप्त साक्षित्व है कि नहीं ना, सबको प्रकाशित करने का जो साक्षित्व है, सबको प्रकाशन करने का जो धर्म है, ये सदा है कि अनित्य है? सदा है कि नहीं? उसका लोप नहीं होता है, हैं? अंतकरण में वृत्ति नहीं रही है कि नहीं? वो तो अनित्य ज्ञान है, घट ज्ञान पट ज्ञान हो गया, अनित्य ज्ञान है वो। उसको प्रकाशित करने वाला जो साक्षी रूपी ज्ञान, वो कैसा है? अविलुप्त है वो, सदा है वो, कभी होता होगा ऐसा नहीं। कभी होता होगा ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? मन का संबंध हो गया तो ज्ञान उत्पन्न होगा आत्मा में, फिर आत्मा घटपट आदि को जानेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं, सदा अविलुप्त साक्षित्वम, वो स्वतः सिद्ध है कि नहीं? ऐसा जो स्वतः सिद्ध है कि ना पार्यते, उसको कोई भी निराकरण नहीं कर सकता अथवा छुपा नहीं सकता है। न पार्यते, निराकरण भी नहीं कर सकता, छुपा भी नहीं सकता, न पार्यते नहीं छुपा सकते, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए दृष्टांत दिया, घटस्यैव, घट जैसे अत्यंत स्पष्ट है कि नहीं? घट जैसे अत्यंत क्या है? स्पष्ट ही है, उसका निराकरण करोगे? घट नहीं है कहोगे, है कि नहीं? ये दृष्टांत दे दिया है ना, आत्मना है, ये साक्षित्व कहाँ पर है? आत्मा में। इसलिए कुशाग्रद्धि बुद्धि वाले जो होते हैं, आत्मा के सदा अविलुप्त साक्षित्व को, जो स्वतः सिद्ध को न पारयते, छुपा नहीं सकते, इसलिए उसको निराकरण भी नहीं कर सकते कुशाग्र बुद्धि वाले के द्वारा। तो टीका देखो, सती देहे तावत आत्मनः प्रत्यभिज्ञया स्थायित्व अवगमान। ये बड़ा सुंदर विचार कर रहे, आत्मा नित्य है, आत्मा कैसा है? नित्य है, वो स्थायी है, आत्मा निरंतर आत्मा है कि नहीं? निश्चय है स्थायित्व, मतलब निरंतर रहेगा, निश्चय है वो। कैसे निश्चय हो रहा? प्रत्यभिज्ञया तत्वेदांता अवगाय ज्ञानमिति प्रत्यभिज्ञा। बाल्यकाल में जो साक्षी था, मैं बाल्यकाल को जानने वाला,
वही युवावस्था में जान रहा हूँ कि वही मैं हूँ, ये प्रतिविज्ञा है। तो आत्मनित्य हुआ कि नहीं हुआ? पूर्व अवस्था आई चली गई, अभी अवस्था है ये भी चली जाएगी, लेकिन सभी अवस्था आने वाले जाने वाले को जानने वाला जो है आत्मा, वो ना आता है ना जाता है। ये प्रतिविज्ञा से आत्मा में नित्यत्व सिद्ध है। वो इसके लिए कोई वेदांत पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आत्मा में स्थायित्व नित्यत्व सिद्ध है, निश्चित है ये, ठीक है। और अनित्यत्व यदि आत्मा को अनित्य मानोगे, आप आत्मा को अनित्य मानेंगे, तब तो ये दोष हो जाएगा। देखो कौन सा दोष? अनित्य मानने पर अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश, ये हो जाएगा दोष, ठीक है ना। अकृत अभ्यागम, जो यदि आत्मा को अनित्य मानोगे, मतलब क्या हुआ? पहले आत्मा नहीं था, आत्मा पहले नहीं था, आत्मा नहीं था मतलब कर्म भी नहीं था, फिर पाप पुण्य। और जन्म से कोई मान लीजिए कोई स्वस्थ है तो कोई रुग्ण है, ये कैसे हुआ? जन्म से कोई सुखी हो रहा है कोई दुखी हो रहा है, ये जो विचित्रता है फल में, तो कारण में विचित्रता माननी पड़ेगी कि नहीं? और बिना कर्म से यदि फल मिलता है तो क्या दोष आएगा? अकृत अभ्यागम, जो अकृत, जो फल पहले नहीं हुआ है उसका फल मिल रहा है, जो कर्म नहीं था, जो कर्म पहले नहीं था उसका फल मिल रहा है, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तब तो बीज बोने की क्या जरूरत है जमीन पर? फिर अपने आप हो जाए बिना बीज से फिर गुठली हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ये क्या बोलते हैं, ये आम्र, आम्र बिना गुठली रूपी बीज से आम का पेड़ हो जाए, फिर ऐसा तो नहीं होगा ना। दूसरा है कृत विप्रणाश हो जाएगा। कृत विप्रणाश, कृत विप्रणाश मतलब क्या है? कर्म किए हो, जो कर्म अभी फल नहीं दिया आगे फल देगा। और आत्मा यदि नहीं रहा आगे शरीर छोड़ने के बाद, तब तो फल किसको मिलेगा? फिर आत्मा यदि रहेगा, भले अज्ञान से मिलता हो लेकिन फल तो मिलता है कर्म का इसलिए वो फल ना दे करके यदि कर्म नष्ट हो जाएगा तो क्या दोष आएगा? कृत विप्रणाश। इसलिए आत्मा है कि नहीं, पीछे पहले भी था और आगे भी आत्मा रहेगा है यहाँ पर। फिर आदि सर्व ले लो, फिर शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं होगी। फिर आत्मा को नित्य नहीं मानेंगे तो श्रद्धा नहीं होगा ना कर्मकांड में, श्रद्धा होगी? श्रद्धा नहीं होगी। फिर सर्व काम हो जजे तो जाग करो बोल दिया, आगे फल मिलेगा, तब तो फिर फल हम रहेंगे नहीं तो फल किसको मिलेगा? समझ में कि नहीं? हाँ, केवल कर्मकांड नहीं, मोक्ष शास्त्र में भी श्रद्धा नहीं होगी तो हम रहेंगे नहीं, फिर मुक्ति किसको मिलेगी? भले ही बंधन मुक्ति मिथ्या है, अलग चीज़ है। हाँ, अभी तो सोच रहा है कि हम रहेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, तो मुक्ति को प्राप्त करने वाला कोई नहीं है तो मोक्ष शास्त्र में फिर श्रद्धा कैसे होगी? ये भी सब दोष है, ठीक है। फिर आत्मा को नित्य मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो ये सब दोष हो जाएगा। लेकिन और भी ये कहते हैं टीकाकार, है ना, कहते हैं कि जाति स्मरणादि दर्शनार्थ, हर किसी को जन्म का भी स्मरण हो जाता है क्या? हाँ, पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। कोई दृष्टांत होगा तब तो कह रहे हैं, कई लोगों को होता है ऐसे, पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। पुराण में तो प्रसिद्ध है ही, अभी भी कहीं कहीं देखा जाता है पूर्व जन्म में ऐसा था। वो स्वामी जी महाराज एक बार बता रहे थे, वो ओमकारेश्वर के महाराज श्री जो, और नेपाल में कोई था तो उनको जो है वो पूरा स्मरण हो गया, पूरा स्मरण हो गया, पूर्व जन्म देखे तो सचमुच मिला हो ऐसे। हाँ, किसी को देखे तो पहचान भी लिए हो, बता रहे थे पहचान भी लिए हो जाते कभी कभी, पूर्व जन्म का स्मरण तो होता ही हो, ठीक है। हाँ, किसी को जन्म से मंत्र का ज्ञान आ जाता है, वो कैसे हुआ? फिर किसी किसी को जन्म से ही शास्त्र का ज्ञान होता है, मंत्र आत्मज्ञान के बाद नहीं कह रहे, वो शास्त्र ज्ञान कैसे हुआ? फिर तो पूर्व जन्म का आ जाता है, होता है ऐसे, ठीक है। तो इसलिए जाति स्मरण आदि दर्शन, ठीक है ना, मुख्यार्थे बाध अभाव, है ना। तब तो फिर
अहमता का अर्थ यदि मुख्य लेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? बाध अबाध, बाध हो जाएगा फिर, नहीं बाध अभावाद, बाध नहीं होगा, बाध नहीं होगा, बाध नहीं होगा, एक मिनट, मुख्य यदि अर्थ लेंगे तो बाध अभावाद। एक पंक्ति आगे पढ़ता हूँ, प्रत्यभिज्ञाया सादृश्यादि निबंधनत्व कल्पना अनुपपत्ते है। हाँ, न अनित्यत्वम आत्मन इति भाव, स्वगत मत है ना, इसलिए मुख्य अर्थ में लेंगे तो बात नहीं हो पाएगा। एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा ले लो हैं, बाधा नहीं हो, मुख्य अर्थ लेंगे, मुख्यार्थे बाध अ, हाँ यदि जन्म मृत्यु यदि मुख्य आत्मा में लेंगे तो बाध नहीं हो पाएगा, बाध नहीं हो पाएगा। हाँ ऐसा लगा लो, ऐसा लगा लीजिए, और क्या है, यदि अनित्यत्व, अनित्यत्व को यदि मुख्य आत्मा में लेंगे तो उसका बाध नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्या मुख्य आत्मा में यदि अनित्यत्व लेंगे तो बाध हो पाएगा अनित्यत्व का? नहीं, अनित्यत्व का बाध, बाध अवाध। एक पंक्ति आगे का तो ठीक है, ये बात खटक रही है, मुख्य अर्थ लेंगे, मुख्य अर्थ, मुख्यार्थ बाध अवाद, मुख्य अर्थ लेंगे तो बात नहीं हो, बाध अवाद, बात नहीं हो पाएगा, बाध अवाद, मुख्यार्थ में बाद नहीं होता है, बाद अभावात। प्रत्यभिज्ञाया सादृश्यादि निबंधनत्व कल्पना अनुपत्ति है, ये तो ठीक है। देखो सुनो, देखो भाई ऐसा है ना, आत्मा को क्षणिक मानते हैं, क्या है, आत्मा को क्षणिक मानते हैं, आत्मा को क्षणिक मानते हैं, है ना, बोलते हैं कि देखो आत्मा क्षणिक होने पर ही प्रतिविज्ञा हो जाएगी। कैसे प्रतिविज्ञा हो जाएगी? दीपक की शिखा में होती कि नहीं बताओ, वही दीपक की शिखा है, तो नित्यत्व है कि नहीं हुआ, क्या नित्यत्व की प्रतिविज्ञा हो रही कि नहीं, वही दीपक की शिखा है। लेकिन ये जो नित्यत्व जी को प्रतिविज्ञा हो रही है वो सादृश्य को लेकर के, पहले जैसी शिखा थी अभी ऐसी शिखा हो रही है, वही गंगा जी का जल है, कहाँ गंगा जी का जल है, हैं, इसलिए सादृश्य को लेकर प्रतिविज्ञा हो गई। इस प्रकार वही मैं हूँ बोलते नहीं, पहले जो आत्मा था अभी दूसरा आत्मा, क्षणिक मानते ना वो लोग आत्मा को, इसलिए फिर प्रतिविज्ञा कैसे हो रही है, सादृश्य को लेकर के, किसको लेकर के, ये यहाँ पर कहते हैं प्रत्यभिज्ञा जहा, ठीक है ना, सादृश्यादि निबंधनत्व कल्पना, और ये वो भी सादृश्य को लेकर के प्रतिविज्ञा हो जाएगी, है ना, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए, है ना, क्यों बोलते कि न अनित्यत्वम आत्मन, आत्मा अनित्य नहीं है, आत्मा कैसा है फिर, आत्मा तो नित्य है, बस में तो भी इसको कौन जानेगा, क्या इसको कौन जानेगा, सादृश्य को लेकर के यदि आत्मा नित्य है कि नहीं, ये सादृश्य को कौन जानेगा, कोई दूसरा होगा कि नहीं होगा, जिस आत्मा में सादृश्य धर्म है, जैसे आप गंगा जल को देख रहे हो, आप गंगा जल में तो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, है कि नहीं, पूर्व गंगा जी का जल जैसा था अभी ऐसा गंगा जी का जल है, इसको जानने वाला भिन्न है कि नहीं, है कि नहीं, इसलिए सादृश्य का ज्ञान रखने वाला तो भिन्न होता है, इसलिए आत्मा में नित्यत्व होगा, अनित्यत्व नहीं होगा, सादृश्य करके नित्यत्व नहीं हो सकता आत्मा में, दूसरे में हो सकता है कि नहीं, ऐसा है, इसलिए ना, और ये जो कहा मुख्यार्थे बाध आवाद, मुख्यार्थ मानने पर बाद
बाधन नहीं होते हैं, बात नहीं होते हैं। किसको मुख्यार्थ मानने पर, इसको थोड़ा विचार करना पड़ेगा। मुख्यार्थे बाधावत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।